हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही फेवरेट पार्ट से वीडियो शुरू हो रही है। बन रही है यहाँ पे हमारे लिए चाय। दूध पी लिया? ओके। नहीं हो रहा, ये किसी ने ना इस पर कारस्तानी करी है, इसकी वजह से मुझे ये धुलने पड़ेंगे। इनको देखती हूँ, कल डालूंगी इनको। छुट्टी वाले दिन ही बेटा डल सके है ये। तेरे पापा उतारेंगे और तब इनको डालूंगी फिर। से कर्टेन्स से लुक बहुत अच्छी आती है घर की। मेरी तबीयत खराब क्या प्रिया? तू तबीयत 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 करती रहती है, थकती नहीं तू? चुप, बिल्कुल शट योर माउथ। रोज रोज तबीयत तबीयत तबीयत, थकेगी कि नहीं? भाई देखो, मैं दूध ढक के रखती हूँ, कभी कभार हो जाता है, नहीं मतलब वो होता है ना। और ये सारी चीज़ें, से संतरा है, ये मैं खाने वाली थी पर मैंने अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए नहीं खाया, इसीलिए ये ऐसे रखा है। और ये जो है हलवा गाजर का, ये भी मुझे मना कर दिया है खाने के लिए, और घर में कोई भी नहीं खाएगा तो भी देखते हैं। ये है घी की कटोरी, इसको रखते हैं इधर। और मैं काम तो सारे ही ऐसे करती हूँ, ऊट पटांग। मट्ठा था ये कढ़ी बनाने के लिए, अभी नहीं बनाऊँगी, मैं कल बनाऊँगी इसकी कढ़ी। अभी तो मैं चाय बना रही हूँ, उसके बाद सब्जियाँ हैं, शक्कर रखी है डब्बे में, शक्कर डालनी है। आलू गाजर बनाऊँगी, या तो आलू गाजर बनाती हूँ या फिर पतले से आलू मटर बनाती हूँ। अभी देखते देखो कितने अच्छे तरीके से हमारी सारी सब्जियां लगी हुई है। हाल फिलहाल तो चाय पियेंगे, पहले उसको मंदी कर देती हूँ, खदक जाएगी अच्छे से। मशीन भी लगाई है, बताओ कौन सा काम ऐसा है जो आप नहीं करो? बाकी की ड्रेस धुलनी थी तो, और ये देखो, और ऐसे भी देखो ये वाला ग्रास डाल के ना, मतलब ये मानो इतना अच्छा लुक हो गया है भाई। कुछ भी हो, मतलब तबीयत खराब हो, जो हो, कैसे भी हो, बट घर ऐसा रहना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा। अभी हम तीनों ही माँ बेटियाँ यहीं पे लेटे थे बेड पर, अभी उठ के अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। मैं अपने काम पे लगी हूँ, अनाया खेल रही है और पाखी उसको खिला रही है, क्योंकि आज पाखी के ना ट्यूशन की छुट्टी थी तो उसको थोड़ा सा टाइम मिल गया। यहाँ पे मैंने शायद सर्फ मैं अमेजोन से मंगवाती हूँ, तो शायद सर्फ ही है इसमें। सर्फ हो गया, अपने जितने मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं वो सब मैं अमेजोन से मंगवाती हूँ, और अनाया के डाइपर्स हो गए वो भी मेरे अमेजोन से आते हैं। अभी ये वाली मिठाई आंटी जी ने दी थी तो इसको भी जो है भी रखते हैं एक डब्बे में। देख सोच रही हूँ मैं कि कोई से ना डब्बे में रख लेती हूँ, इसमें से कुछ ही मिठाई बची हुई है, कुछ खाली है। ये लड्डू है और ये डोडा बर्फी है और ये वो है मट्ठी है, तो इसको साइड रख देती हूँ अभी। इस पर एक प्लेट वगैरह ढक देती हूँ, कुछ जाली वगैरह और दिखाऊँ मैं आप लोगों को। ये कुर्ती मंगवाई है मैंने एक अमेजोन से ही, खोल के नहीं देखी अभी मैंने, देखने में तो अच्छी लग रही है, देखूंगी कि कैसी है। ठंड में छोटू खड़े हो, बचाओ बचाओ, कुर्सी पे बैठो। क्या हटो हटो जा, ठंडी लाओ, बजरी ठंडी लाओ, ठंडी मंटू ये कुर्सी इधर रख बेटा। हाँ उधर पौधे ना, वो जरा मर से, वैसे तो मेरे सारे पौधे, ज्यादातर पौधे खराब ही हो गए क्योंकि ठंड में ना होते ही हैं। अब मौसम ठीक हो जाएगा तो सारे इनमें ना, सारे गमलों में अच्छे अच्छे से फूल लगाएंगे। हाँ तेरे जरूर निकाल लूंगी 1 मार्च को गर्मियों के कपड़े। और ये देखो भाई मौसम, ओहो मांटू ब्लू येलो।
बहुत बढ़िया वाला मौसम है। देखो देखो नीचे ब्लैक, फिर उसके ऊपर ऑरेंज, कहाँ आसमान। अच्छा हाँ, ब्लू ऑरेंज, नहीं 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 ब्लैक, फिर ब्लू नहीं, ब्लैक ऑरेंज, फिर थोड़ा सा येलो, फिर ऊपर थोड़ा सा वाइट, फिर ऊपर यो, फिर ऊपर यो मम्मी। ये सूरज छिपा है ना मंटू में, देख कहीं पर ना भागवत चल रही, मतलब कई दिन कितने दिनों से चल रही, और इतना अच्छा माहौल रह है ना, बहुत ही पूरा दिन का ना मेरे हमारे यहाँ तक तो पूरी भागवत सुनाई देवे पूरी। मंटू ये क्या बदतमीजी थी बेटा, जब इसने गेरी तो तू उठा कर थी बाबू नीचे चा। हाँ नीचे जाना था बेटा, अंदर आओ बेटा, गेट बंद करो। ये क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए, सारे वाइप्स फेंक दिए हुए पागल। मैं टंडी ला रही है, अभी रुक जा, अभी रुक जा। एक चीज है जिससे सबसे ज्यादा डरती है लड़की, अब देखना इसका रिएक्शन लड़की का। हमारी तुम कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ उधर, इधर आओ, अंदर अंदर आओ, अंदर आओ। क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे तुम छोटू, इधर आओ, करो इससे पिटी, पिटी करो इससे, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, नुको मम्मा सॉरी, ऐसे बोलो मम्मा सॉरी। अब नहीं खाओगी ना, अब नहीं करोगी, नो है, कान नहीं लिकट रहा था टोपे में से, कान काट दो उसे है। यो क्या, यो क्या, नहीं खानी है ये, नहीं खानी, ठीक है ले ले मंटू दो मिनट छोटू, नहीं खानी, ओके हाँ बंद हो गया गाना, बच गाना बंद हो गया, बहुत सुन लिए गाने, इतने ही सुनते हैं बस, ओके ओके। गेट बंद रखो, जाली वाले हवा चल रही बहुत, बाथरूम के गेट भी बंद कर दे मंटू, या फोन देखेगी थोड़ी बहुत देर दे दे से, वरना या फिर बाहर भागेगी। चलो भाई हम तो चाय पी में अपनी जरा सी तसल्ली से बैठ के, पहले काफी सब्जी छोंक दूंगी, अभी खदकगी ना अच्छे से। ये देखो हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 रामा हरे राम, हरे 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 कृष्णा हरे रामा राम रामा। आप जाओ, आपको कोई काम नहीं करना है यहाँ छोटू, आप जाओ। मैं नहीं कर रही कुछ भी, काम कर रही,
सच में लगाओ आवाज लगाओ छोटू क्या हो गया कौन है कौन है आप जी कौन है आप जी है बाहर है देख के आओ नहीं है कौन छोटू मत्ते नहीं करी छोटू मत्ते करो पहले कर दो बच्चा देख देख अब यार सारी वो जितनी इसकी रोक रखी थी ना छोटू छोटू मत्ते करो मत्ते कर दो मत्ते करो पहले हम जितने हैं बच्चे हम सारे करेंगे जो दस बंदा बोले छोटू मत्ते करो मत्ते करो बच्चा अब मत्ते नहीं करी आपने ढूंढ के कहाँ ढूंढ रहे थे मुझे आप पापा जी आवाज पहचान दे बचाओ 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 मारा छोटू तुम्हारे सारे काम होने चाहो कुछ नहीं होता बच क्यों जी इतना ही है बेटा तुम मल चलाओगे छोटू पापा जी आ गए इतना ही है नहीं। क्या कर रही बेटा खाना कर दो चाय लोगे साथ में आपको मारा तो तुमने मेरे दिन में मारा आपके मारा तो नहीं पिटा था किसी ने आपको किसी ने पिटा आपको नहीं बताओ पहले बोलो अच्छा बात करो आप गरम गरम रोटी खिला देती हूँ अभी ऐसा होता है कि कोर्ट से जब तक ये आते हैं ना तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि खाना तैयार करूँ और आज तो हालत मेरी इतनी ज़्यादा डाउन है बट इनकी जो है वो सुबह के लिए मुझे शर्ट भी धुलनी है पाखी की ड्रेस धुलनी है वो सुबह स्कूल जाएगी अब काम के बिना तो नहीं बीचती है एक भी मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ मैंने एक वीडियो डाला था अपना एनिवर्सरी का मैं उसमें मानती हूँ कि चलो पाखी की मिस्टेक है बच्चा है और गलती है मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं गलती है उसने केक खाया मैंने तो देखा भी नहीं बट मैंने आप लोगों के कमेंट देखे उस वीडियो में एक ने तो डिस्कस्टिंग पाखी कितनी बदतमीज है मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी ये कोई लहजा है बोलने का बच्चा है आप उसकी गलती को बता रहे हो आप उसकी गलतियों को बता सकते हो बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे सबके बराबर होते हैं आप किसी बच्चे के बारे में बोल रहे हो तो थोड़ा सा आप भी तो लहजा रखो आप कितनी बदतमीजी से बोल रहे हो दो कमेंट ऐसे आ रहे थे कितनी बदतमीज है पाखी केक खा के हाथ कंबल से पोंछ दिए डिस्कस्टिंग तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी नो डाउट पाखी की गलती है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था बट वो एक ऐसा मोमेंट था कि उसने मतलब केक खाया और ध्यान नहीं दिया कि अब ये तो है नहीं कि देखो वीडियो बन रही है तो वीडियो के लिए वो टॉवल से पूछती अगर कैमरा ऑफ होता तो भी वो ऐसे ही करती ठीक है मैं इसमें पाखी की वो नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी वो उसकी गलती है बट क्या वो इतनी बड़ी बात है कि आप मतलब इस तरीके से आप भी तो देखो आप किसी बच्चे के लिए बोल रहे हो आप किस लहजे से बोल रहे हो वो चीज़ है ना तो मैं एक चीज़ बोलूँगी मुझे चाहे बोलते आप उसकी गलती को बोलते बट तरीके से एक तरीका होता है कि पाखी को ऐसा नहीं आप नहीं करना चाहिए था या जो भी है अपने तरीके से आप अच्छे से कैसे भी उस चीज़ को बोल सकते थे बट इतनी बदतमीजी से आप लोग ये बात को बोल रहे हो देखो साफ सीधी सी एक बात है वो वैसे भी वीडियो में नहीं आती है ना ही उसके पास टाइम है इतना एक दो कभी कभार एक आधा क्लिप देखो जब व्लॉग बनता है तो वो आ जाती है ठीक है मैं एक चीज़ बोलूँगी
लास्ट बार ये चीज मैं बोल रही हूँ, देखो मैं अपने लिए कुछ मेरे, ये मान लीजिए उसकी गलती है, मुझे पता है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट अगर मैं भी किसी को बोलूंगी तो मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगी उसको, एक समझाने के या कैसे भी मान लीजिए, बट ऐसे नहीं बोलूंगी, ठीक है। तो मैं अपने लिए 1000 बातें सुन सकती हूँ, कितनी भी उस तरीके से बोलो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं उस पर काम करने की, या मैं सहन कर जाती हूँ, ये मान लीजिए सहन कर लूँगी, बर्दाश्त कर लूँगी, मेरे लिए कोई बोल, देखो मेरे बेटी के लिए, मेरे बच्चों के लिए कोई बोलेगा भाई, वो चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। वो मुझे पता है, देखो यहाँ हर एक माँ ऐसी होती है कि वो अपने बच्चे के लिए नहीं सुन सकती है। मैं पाखी की गलती मानती हूँ वो थी, और वो इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि आप इस तरीके से जो है उसको बोलो। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करूँगी, मेरा ये चीज़ सुन के ना, मैं अपने बच्चों के लिए अगर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मेरे बच्चों के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो मैं चैनल ही बंद कर दूँगी, मैं वीडियो ही बनाना बंद कर दूँगी, बट मैं उनके लिए नहीं सुन सकती बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा हो जाता है ना, गलती होते हुए भी हाइपर हो जाता है मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा। मैं उनसे भी एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, आप बोल सकते हो, आप समझाने के तरीके से, आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो, बट आपका लहजा भी बहुत बुरा है बोलने का, समझाने का, कि आप अपने बच्चे को, भाई मुझे नहीं पता आप अपने बच्चे को कैसे समझाते होंगे कैसे नहीं, बट मुझसे नहीं सुना जाता कोई बदतमीज बोले या कुछ बोले, मुझे पता है मेरी पाखी कैसी है कैसी नहीं है, है ना। तो उसको तो वैसे देखो टाइम भी नहीं मिलता, मैं ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहूँगी, उसको बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो एक आध घंटा वो घर पे रहती है, एक आधी क्लिप आ गई तो आ गई, उसको कोई वो नहीं है। मैं किसी भी तरीके से अपनी वीडियो बनाऊँ, कैसे भी ना बनाऊँ, मैं मेरे उसमें मैं उसका 0% भी नहीं लेना चाहती, कभी नहीं कैमरा पकड़ाना या कुछ करना, कभी वो बिल्कुल फ्री है तो ही चाहे मैं कह दूँ बाकी बेटा एक आधी क्लिप बना दे, वरना मैं कभी ये नहीं चाहती कि वो मेरा कैमरा पकड़े, फ़ोन बनाए, मेरी वीडियो बनाए, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए, तो मैं बात कर रही हूँ। एनिवर्सरी वाले दिन इनने भांडू ने केक वो करा होगा, तो जैसे केक खाया वो हाथ कंबल से पूछ दिए होंगे, मैंने तो ध्यान भी नहीं करा, मतलब किसी ने कह लो कोई भी बात, पाखी कितनी बदतमीज है, डिस्कस्टिंग, एक ना तो डिस्कस्टिंग लिख रखा था मैंने, चल ठीक है उसकी गलती है यार, पर इतनी भी गलती नहीं है कि भाई इस तरीके से बोलो, बालक है, गलती है, हम तो नहीं, मैं कह रही गलती भी है, बट इस तरीके से थोड़ा ही ना कि डिस्कस्टिंग, कितनी बदतमीज है। अरे भैया बच्चे तो किसी के भी हों, सबके अपने ही है ना, तरीका होता है बोलने का भी और वो भी। मंटू तेरी गलती की बात हो रही बेटा यार, केक खाया तुमने उस दिन एनिवर्सरी वाले दिन, तो तुमने हाथ कंबल से पूछे, तो कुछ लोग, हाँ बेटा गलत बात है वैसे वो, है ना, गलत तो है, गलत तो है, ऐसे पूछने नहीं चाहिए, है ना। तो गलती पे फिर क्या करा जा, गलती सुधारनी चाहिए, सुधारनी चाहिए, है ना। आगे से अभी भी तूने मेरे स्टॉल से क्या पूछा, और ये आदत तो भाई हमारी भी थी, मम्मी खड़ी है मुंह धोया तो मम्मी की चुन्नी मिल जाती मुंह पूछने को, हाथ पूछने को, ये मतलब नॉर्मली हमारे तो अभी ये नहीं करते, वरना इनकी तो ये हरकत थी जहाँ पर्दा अभी जैसे ये है और हाथ गिल्ले हुए तो पर्दे से ही हाथ रगड़े जा रहे थे, अब तो थोड़ा सा छोड़ दिया, मतलब इतने साल हो गए मेरे उसमें रहते हुए ना, तो वो खौफ हो गया मेरा, वरना मतलब यही काम था कि पर्दों से हाथ पूछ लिए या ये, वो धीरे धीरे छूट गई आदत। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि उसकी गलती नहीं है, बट ये है पीछे से चुन्नी से हाथ पूछना, हम तो अपनी मम्मी कैसे कर ले कर रहे थे, मुँह पूछना हो तो मम्मी की चुन्नी खींच ली, ये सारी चीज़ें थी, बट ये हमें सोचना चाहिए कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सोशल मीडिया है, ये सब काम जो है वो तरीके से करो, वरना फिर नहीं, कहने का एक तरीका होना चाहिए, देखो कोई भी बात है उसको कहने का तरीका होना चाहिए बस। चलो ये जो
छोटे ही हो जाएंगे तो है इसके बड़े। कहाँ जाना आपको? चलो जी अभी हम भी खाना खाते हैं और वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, बट होता है थोड़ा सा बच्चों के मामले में ना। मांटू इधर आओ बेटा, इधर आओ। लोगोपाल जी को भोग लगा कर क्या ना भाई? इसमें आया है पापा की साड़ी शेविंग करने वाली सरफ बड़े डिब्बे में खुद है। चलो जी भी वीडियो का एंड करते हैं, कोई भी बात बुरी लगी हो तो माफ कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे और बाय बाय।